सच्चाई तो लोगों को पता लग गई जब वहां गया था बिग बॉस में, हाँ पता लग गया कि भाई जोकर ही है। फिर सोचा यार अब तो ना ग्राफ नीचे जा रहा है तो एक कर लेते चैलेंज, थोड़ी वैसे कोई सी हार, मैं बोलेगा नहीं जो तो अपने डोले से ही बीच दूंगी। वो देखे शिवानी क्या कह रहे, मैं अपने डोले से बीच दूंगी पर टिकट कौन लेगा उसकी फाइट देखने के भाई। क्या होता लिए? है ना कई बार लोग जोकर को देखने आते हैं सर्कस में, बता शर्म की बात है, लड़कियां भी चैलेंज कर रही है तुम्हें, बताओ आदमी का नहीं ले रहे, लड़की को चैलेंज ले लो। तो गाइज अरमान मलिक यूके राइडर का 1v1 बॉक्सिंग फाइट चैलेंज एक्सेप्ट करने के बाद इंस्टाग्राम पे लाइव आए, तो इंस्टाग्राम में यूके राइडर का इतना ज्यादा इंसल्ट किया, इतना बातें बोला है भाई, आपसे भी सुनकर शॉक हो जाएंगे। टेंशन मतलब A to Z क्लिप इस वीडियो में प्ले करके दिखा दूंगा। और अरमान मलिक ने यूके राइडर को बुलाया, कहां चुप गया, कुछ बोलता क्यों नहीं, चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया हूँ, निकल कहां पे छुपा हुआ है, जल्दी से निकल और एक्सेप्ट कर आ जा। बाकी क्या बोला है पूरा इस लाइव में देखिए। तो रिप्लाई यूके को भी दिया है। तो भाई किस्सा क्या था ना कि एक हफ्ते पहले एक वीडियो शूट हुई थी और उसमें बहुत उल्टा सीधा बोला गया है, मतलब कि पंच मारते हुए दिखाया है लोगों को कि भाई मैं बहुत बड़ा बॉक्सर बन गया। उसके साथ क्या ना कि पर्टिकुलर एक आदमी को नहीं है, पूरी जो जितना भी बड़ा सोशल मीडिया है ना सबको बोला गया है। तो हम शिवानी को लेंगे, शिवानी हमारी बहुत अच्छी एथलीट है। तो जब आप शरेआम बोल रहे हो, सभी को बोल रहे हो, एक को नहीं बोल रहे, पूरी सोशल मीडिया कम्युनिटी को बोल रहे हो भाई, जिसके भी दम है आ जाओ ये वो एक्स वाई जेड, तो भाई अब इंसान छुप के बैठा हुआ पता नहीं कौन से बुक्कल में मुंह बंद करके बैठा है। बस कुछ नहीं, बहुत सारे लोगों की रिप्लाई आ रही है कि भाई तुम्हें थोड़ी बोल रहा, देखो यार मुझे नहीं बोल रहा, पर क्या है ना देखो सबको ही बोल दिया ना कि भाई जितने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर है जो भी है एक्स वाई जेड, चलो हम बड़े भी नहीं, हम तो बहुत छोटे हैं यार, पर तुम बोल तो सोशल मीडिया पे रहे हो ना सबको, बिल्कुल, तो आप जवाब तो अब जवाब क्या, हम तो कह रहे भाई मिल ले 2-4 दिन बॉक्सिंग और सीख ले, जब तेरा दिल फ्री करे तब आ जाइयो है, मत बोलो ना जब गुर्दा ना हो हवाबाजी करने का, गाड़ियों तक तो सीमित रखो ना हवाबाजी। ये बोल रही हूँ कि लोग जब ये ऐसी वीडियोस डालते हैं ना कंट्रोवर्सी वाली कि हम आ जाओ लड़ते हैं किसमें दम है, तो मतलब ऐवी कुछ भी डाल रहे हैं ताकि फेमस हो जाएं। असल में क्या है ना कि सच्चाई तो लोगों को पता लग गई जब वहां गया था बिग बॉस में, हाँ पता लग गया कि भाई जोकर ही है। फिर सोचा यार अब तो ना ग्राफ नीचे जा रहा है तो एक कर लेते चैलेंज, थोड़ी वैसे कोई सी हार, बोलेगा नहीं जो हमारे सोशल मीडिया पे जितने भी लोग हैं ना सब बिजी अपनी अपनी लाइफ में। हाँ अरे नेटवर्क एरर, तो दीपक भाई का नेटवर्क एरर है, दीपक भाई को नेटवर्क ले। एरर आ रहा है, हाँ करने को बोलो। बोला मैंने दीपक भाई को आ जाए। और सुनो तो सही, ये तो डाल रहे हैं लोग, ये भी नहीं दे, उसका रिप्लाई भी नहीं कर रहे हैं, मेरा भी रिप्लाई नहीं कर रहे। कहीं बैठ गया ना बेचारा बॉक्सिंग में, मुझे लग रहा थक गया होगा, थोड़ी एनर्जी ले रहा, फिर आएगा। लेकिन आपने तो वीडियो डाल के दिखा दिया भाई देखो यार, क्या ना, तो देखो चैलेंज ना, अब कुछ लोग बोल रहे हैं भाई अपना तो देख, तो 10 साल बड़ा हूं उससे है ना, उम्र में बड़ा हूँ, शादीशुदा, 4 बच्चे हैं, अभी तो उसने दुनिया भी नहीं देखी है, सारी शक्तियां उसके अंदर ही है, पावर उसके अंदर ही है, ना समझ। अभी तो उसने देखा ही क्या, बस गाड़ी स्टेयरिंग ही तो घुमाए हैं और किया क्या है। लेकिन सोच के तो डालना चाहिए था ना कंटेंट, कुछ भी डाल दिया। एक हफ्ते पहले की वीडियो है और मेरे पास मतलब क्या ना परसों आए, कुछ लोग ना नहीं देखते होंगे उसको, लोग बच्चे देखते हैं जो गाड़ी स्कूटर चलाते हैं ना वो बच्चे देखते हैं, तो मेरे सामने फिर टैग वगैरह देखा तो जो हवाबाजी कर रखी है उसमें, मतलब क्या ना इसमें जो हमारे नीरज भाई है ना जो बॉक्सर हैं जो उनके साथ खड़े हैं, मुझे तो ये कि उनको खड़ा ही नहीं होना चाहिए था ऐसे नकली आदमी के साथ। सोच समझ के तो डालते, कुछ भी डाल दिया। अब सोच, अब अफसोस अब कर ये रहे हैं, देखो फिर ना रिप्लाई नहीं कर रहे। जो जो वो नीरज भाई हैं बॉक्सर हैं, बहुत अच्छे एथलीट है, वो आदमी चैलेंज के चक्कर में यूएसए चला गया लड़ने, ओहो, और वो कुछ लोग हैं इंडिया की, इंडिया में नहीं लड़ा जा रहा और फिर चैलेंज दे रहे भाई आ जाओ आ जाओ, बस हम तो माहौल बना देंगे, हम फलाना कर देंगे, हम धरती नहीं पाड़ वो देंगे। दंगल के मूड में है यार, ऐसे मत बोलो, दंगल करेगा अगला, दूसरी दंगल मूवी है उस मतलब बंदे के पूरे नाम से सोशल मीडिया बनेगी। कम्युनिटी को बोला उसने भाई, जिसमें भी दम हो, जिसकी ऐश में दम हो, तो आ जाओ ऐसी ऐसी बातें हैं। ओहो, देखो गाइस, वन टू वन, वन टू वन, वन टू वन, ऐसे हवाबाजी में जोश जोश में निकल गया ना उसके मुंह से। आना चाहिए ना, पब्लिक को बोलना चाहिए कि आ जाओ, वन असल टू में वन क्या कराते हैं होता है, जो अरमान दस मलिक और पंद्रह लोग होते हैं सैकड़। ना आसपास की एक टीम होती है ना,
जो इनकी एड ये वो संभालते, तो वो क्या कहते हैं, अब कोई और लेता तो उसको कहते हैं अरे रहने दो भाई, फेम मिल जाएगा उसको, आप चुप बैठे रहो। तो यहाँ तो फेम का भी सिस्टम नहीं है ना, ये तो हाँ। ये भी नहीं बोल सकता ना कि उसको फेम मिल जाएगा नहीं, या फेम तो मिलेगा। भाई। अब आप हम खा देखिए, देखो, आज मैं तो तो बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं ना, हम भी स्टोरीज ये वो, तो हम सब तो जुड़े हुए हैं ना, कम्युनिटी तो पूरी जुड़ी देखो, हुई है आपके सोशल साथ। मीडिया ना छोटा सा है, मैं कह रहा हूँ फेम की दिक्कत नहीं है। फेम में क्या है, जिसके 1 लाख सब्सक्राइबर उसको भी जानते हैं, जिसके 20 मिलियन है उसको भी जानते हैं, और जिसके 40 मिलियन है उसको भी जानते हैं। जानते तो सबको है। तो ऐसी हवाबाजी नहीं करनी चाहिए आदमी को कि भाई आ जाओ, मैं ये मैं वो, मेरी तैयारी करवा रहे हैं, ये फलाना दिगड़ा ना। योगेश भाई बॉक्सिंग चैलेंज कर रहे हो? योगेश भाई, मैं क्या करूं अब, नकली है लोग बोल के बैठे हुए छुपके घर। मैं कर रहा हूँ आपको चैलेंज मेरी मेरी बॉक्सिंग मेरी मदनी है घर वालों से लड़ने की। का। नहीं सही है सही है। हाँ जी, तो मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसे काम करो ना जिसमें चीजें ना हो। तुम कह रहे हो, तुम उसको ब्लॉग देखना पूरा, उसमें उसने बहुत पंच मारते बोले 1 to 1 आ जाना, जितने बड़े बड़े सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर है सबको चैलेंज है 1 to 1, मतलब कि लाइन लंबी है, पहले 1 से लड़ेगा फिर 10 से लड़ेगा, समझ रहे हो। नंबर ये नहीं है कि वो कहता है बस एक बार ही लड़ूंगा, वो कह रहा है 1 to 1, जितनी बारी आ जाओ कोई भी। ओहो, कौन सी रोटियां खा रहा है? वो खा रहा है यमराज के पास जाने की रोटी। वो एग्रीमेंट करवा लो, करवा लिया आपने? देखो मैं क्या कराऊंगा भाई, जो उसके फाइनेंसर है वो करवाएंगे। वन लड़ना सही नहीं है, है, लड़ना है दूर से। पर कल वाली वीडियो ज्यादा बढ़िया थी, मजाक नहीं, वैसी बनाओ, पहले उसकी फिर अपनी, फिर उसकी अभी अपनी, नीचे जा ऐसे ही रहा हूँ करना, वो मैं, बढ़िया मैंने थी। उसकी ना 10-12 मिनट का व्लॉग है जिसमें सारी हवाबाजी है, उसने कहीं भी मतलब अपने आप को नीचा ही नहीं दिखाया। वो सोचा कि जो यूट्यूब पे ना वो सब साले कीड़े मकोड़े हैं, मेरे सामने कौन आएगा, समझ रहे हो। उसको हाँ पता समझ नहीं है भाई, ये जो यूट्यूबर बाद में बने थे पहले ये लड़ते ही थे। किसी रहे भी यूट्यूबर का इतिहास उठा लिया देखो, बचपन में सब लड़े हैं ना, लड़ाई झगड़े चलते आए सबके। और यहाँ तो कंट्रोवर्सी भी नहीं है, यहाँ तो चैलेंज ये दिया ना भाई सीधा आ जाओ, इसमें तो ना तो कोई पुलिस केस है, ना किसी टीम को बुलाना, ना किसी कम्युनिटी को बकवास करनी, ना किसी के बारे में उल्टा सीधा बोलना। सीधा बुलाओ एक रिंग में अपने फाइनेंसरों को, बोलो टिकट सेल करो और बुलाओ। मैं तो अपने डोले से ही बीच दूंगी। वो देखे शिवानी क्या कह रहे, मैं अपने डोले से बीच दूंगी। पर टिकट कौन लेगा उसकी फाइट देखने के भाई क्या होता लिए? ना, कई बार लोग जोकर को देखने आते हैं सर्कस में, हाँ आते हैं ये ना। तो है। बस जोकर पर यार वो सर्कस, जो सर्कस वाला जोकर है वो भी बहुत मेहनत करा है यार, मतलब एंटरटेन करता है यार वो, इतना तो नहीं तो करता भाई, यार। जितने भी यहाँ पे मच्छर के फैन हैं तो मैं चाहता हूँ ये वीडियो उसको भेजो, ये लाइव उसको भेजो, और थोड़ी बहुत शर्म हो ना तो किसी पानी में डूब डाब के मर जाओ, या फिर वो वीडियो डिलीट करके हाथ जोड़ के खड़े हो जाओ कि माफ कर दो, त्राहि माम प्रभु त्राहि माम। नहीं उसको हम बोल रहे हैं, नीरज हम भाई, राइडर को कुछ नहीं बोल रहे हैं, हम कह रहे हैं वीडियो तो बनाओ जो खुद से रिलेटेड हो, ऐसी वीडियो मत बनाओ जो बिल्कुल ही अपोजिट हो, जो आप कर नहीं सकते, आप वो चैलेंज दे, तुम कहते हो भाई आओ मेरे साथ रेस लगाओ, मेरे साथ बाइक भगाओ, या हमारी समझ में भी आती बात। रेस लगाओ तो ये ठीक था, इनफ था, बट वो बोल रहा है 1 to 1 करो। और वो भी कह रहा है सब जितने भी यूट्यूबर हैं, जो सोशल मीडिया पे फेमस इन्फ्लुएंसर है, कोई भी आ जाओ। यूट्यूब तो यूट्यूब पे तो बड़े और यार आप बारे हाँ में देख बताओ दो। योगेश अरे भाई, एक तुम भी देखो क्या होता है, तुम्हारा चैनल एक्सेप्ट हो जाए, देखो भाई। बॉक्सिंग की तो क्या तनी डोला तो है नहीं, मेरा तो पेट है, मैं तो पेट पेट से ही मार दूंगा। ठीक चलो ठीक है अरमान भाई, कह रही हूँ चलो ठीक है, भाई ध्यान रखो भाई योगेश भाई। और बताओ, तुम और बताओ, नहीं आ रही है 25 को? वो थोड़ा सा फैमिली वालों ने मेरे लिए घर में पूजा रखी हुई है इसलिए नहीं आ पा रहे, नहीं तो हम तो हर फंक्शन में पहुंचते हैं आपके चलो गुस्ताखी। भाई ध्यान रखो, मैं आ रहा हूँ, मैं शायद आ रहा हूँ मैं।
दिल्ली यार जल्दी, मुझे दुबई जाना है। मैं भाई जितने लोग हैं ध्यान से सुन लो, मैं अगर दुबई के फ्लाइट में बैठ कर पीछे से कोई रिप्लाई आया तो आने जाने की टिकट के पैसे और जो मैं वहां करने जा रहा हूँ उस प्रोजेक्ट के पैसे ले लूंगा, जो भी बॉक्सर बनता होगा। हाँ कभी मैं 20 तारीख की मेरी फ्लाइट है, अगर बीच में रिप्लाई दे दो आ जाओ भाई 10 दिन का टाइम दे दिया हमारा बॉक्सर तैयार हो रहा है, फिर आके लड़ूंगा। अभी बता देना 30 से पहले का कोई प्रोग्राम है, चल एक आधा महीना ले लो, एक आधा महीने की डेट बुक कर दो जिस तक मैं घूम घाम के आ जाऊँ, पता लगे मेरे का गुस्सा लग जाए और मैं दोबारा घूमने ना जा पाऊँ। ठीक है, टेक केयर, बाय। ओके जी, ओके, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बता शर्म की बात है, लड़कियां भी चैलेंज कर रही है तुम्हें, बताओ आदमी का नहीं ले रहे, लड़की का चैलेंज ले लो, लड़कियां मार देंगे गुस्से में। तो गाइस मुझे तो लगता नहीं कि आप सभी यहाँ तक वीडियो में आए हो, अगर आ गए हो तो सबसे पहले आप सभी को शुक्रिया, थैंक यू सो मच, लव यू भाई के यहाँ तक वीडियो में आए। और गाइस आप सभी को क्या लग रहा है कि यूके राइडर और अरमान मलिक का फाइटिंग होगा या नहीं, या फिर किसको सपोर्ट करोगे, कौन जीतेगा, आप अपना ओपिनियन आप अपना राय कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। और ऐसे अपडेट से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।